अमृतसर के नौजवान की कैनेडा च भेद भरे हालात च मौत हो गई है। कैनेडा तो यह मौत दी खबरों का सिलसिला रुकन का नाम नहीं लै रहा। हुण मुड़ अमृतसर के 25 साल नौजवान की कैनेडा के शहर वैनकूवर च मौत हो गई है। मृतक की पछाण लवप्रीत सिंह वजो हुई है। लवप्रीत सिंह 2 साल पहला वर्क परमिट से कैनेडा गया सी ते 4 महीने पहला वैनकूवर च शिफ्ट होया सी। मापिया ने कर्जा चुक के पुत के चंगे भविख लिए इस विदेश भेजा सी, पर उन्होंने नहीं पता सी कि जेडे पुत नूं चावां नाल कैनेडा भेज रहे ने उत्थे उस नाल मंदभागा भाणा वरत जाएगा। दस दिए कि नौजवान पुत की मौत की खबर सुन के परिवार का रो रो बुरा हाल है। दसिया जा रहा है कि लवप्रीत की मौत दिल का दौरा पैण कारण हुई है, पर परिवार वालों जांच की मांग की जा रही है। मृतक के पिता ने सरकार को मांग की है कि उन्होंने पुत की लाश भारत लिया उन्हों की मदद की जाए तो इस ही उसके मौत का कारण का पता लग सके। उसके लिए उन्होंने कानूनी कार्रवाई की मांग की है। बच्चे का नाम लवप्रीत सी, वो 2 साल का कनेडा वर्क विजे ते गया सी और सरी डिस्ट्रिक्ट सी ते उत्थे 4 महीने हो गए गए। कल सानू पता लगा कि साडा बच्चा अटैक हो के मतलब पूरा हो गया, तो पूरी तरह सानू कोई चीज़ का पता नहीं लगा इस चीज़ का भी की होया की नहीं होया। ये बारे सानू पूरा कुछ नहीं कुछ नहीं पता। साढ़े ना 4 तरीक तो बाद कोई गल नहीं हो सकती सानू। फिर बाद उत्थे साडा एक लड़का सी उन्हें फिर उत्थे FIR दर्ज करवाई वो ते उहदे नाल फिर सानू पता लगा कि उन्होंने अज 8 दिन हो गए पूरे। अं सरकार को यह मांग करते हैं कि सानू इस चीज़ का क्लीयर पता लगना चाहिए भी साडे बच्चे ने की किया। बच्चे की उम्र 24-25 साल से। सबसक्राइब टू वन इंडिया चैनल एंड नेवर मिस एन अपडेट।